नमस्कार, नेशन न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मंजुल मंजरी। और सबसे पहले बात करते हैं बिहार की खबरों की। बिहार में कोरोना के बढ़ते मामले पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शनिवार को उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री आवास में आला अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सभी जिलों के डीएम के साथ कोरोना के बढ़ते मामलों से निपटने के लिए चर्चा की गई। दरअसल कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी किया है, जिसके तहत स्वास्थ्य कर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। साथ ही सभी जिलों और प्रखंडों में विभाग कोरोना टेस्ट की संख्या लगातार बढ़ाई जा रही है। बीजेपी नेता और राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को आड़े हाथों लिया है। सुशील मोदी ने तेजस्वी पर हमला बोलते हुए कहा कि तेजस्वी पर खुद मुकदमे दर्ज है और वो आज बेल पर बाहर है। भ्रष्टाचार में संलिप्त होने के बावजूद तेजस्वी सत्ता पक्ष पर हमला बोल रहे हैं और सरकार के मंत्रियों पर झूठे आरोप लगा रहे हैं। यही नहीं, उन्होंने विधानसभा में पक्ष की भूमिका पर भी सवाल उठाए। यादव ने मंत्रियों और विधायकों पर आरोप लगाए कि वो आपराधिक मुकदमे उन पर दर्ज है। ये सबसे आश्चर्य की बात है, नेता प्रतिपक्ष जो 1,000 करोड़ के मॉल घोटाले के चार्जशीटेड है, जो बेल पर है और जिनका ट्रायल इसलिए प्रारंभ नहीं हो पा रहा है क्योंकि कोरोना काल के अंदर और ट्रायल स्थगित है या वो धीमी गति से हो रहा है, तो शायद आज वो पिता के समान वो कहीं और होते हैं। तो जो लोग खुद भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हैं, जिन पर FIR दर्ज है, जिनकी 4 दर्जन से ज्यादा संपत्ति को सीबी। पटना स्थित बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत प्रदेश कार्य समिति की बैठक बुलाई गई, जिसमें पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद सुशील मोदी, डिप्टी CM रणु देवी और पाटलिपुत्रा सांसद रामकृपाल यादव सहित बीजेपी के कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में बिहार की बेटियों के विकास पर चर्चा की गई। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत प्रदेश कार्य समिति की बैठक में शामिल होने पहुंचे पाटलिपुत्र सांसद रामकृपाल यादव ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने बेटियों को जितना सम्मान दिया और उनके लिए जो काम कर रहे हैं वह सराहनीय है। मिला है आज तक हर क्षेत्र में, हिंदुस्तान के इतिहास में शायद ये पहली दफा इतना सम्मान बेटियों को मिला है और बेटी की चिंता की है माननीय प्रधानमंत्री। पता है हिंदुस्तान के विभिन्न राज्यों में 6 राज्यपाल केवल महिला है, शायद पहली दफा हुआ है। और महिला सशक्तिकरण करने के लिए जो प्रधानमंत्री जी ने अपने कैबिनेट में, जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने अपने आवास पर प्रेस वार्ता कर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों पर हमला बोला। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर सदन की गरिमा को आहत करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सदन में विपक्ष कोई ठोस मुद्दा उठाने के बजाय सिर्फ बेबुनियाद बातें कर रहा है। वहीं सत्ता पक्ष के नेताओं पर शराब तस्करी में संलिप्त होने का आरोप लगाया। कम्युनिस्ट इसकी बात करता है, विपक्ष को नारी खोखी से फुर्सत है क्या? अलगतम जुतम से राम सूरत और इससे मैं नाम ले लूंगा ना, हाजीपुर के MLA MLC का कौन कौन दारू बेचवाता है पता चल जाएगा। दारू के पैसे किसके किसके घर भालू के जाते हैं? विपक्ष भालू पर क्यों नहीं बात करता? विपक्ष जमीन घोटाले पर क्यों नहीं बात करता है? क्या विपक्ष पर 65% अपराधियों को टिकट देने का आरोप नहीं है? संवैधानिक पदों पर आप बैठे नहीं है, आप ही छोड़िए ना, पूरा सदन की गरिमा समाप्त कर दी विपक्षों ने। खबरों में आगे बढ़ते हैं। समस्तीपुर में भूमि विवाद में कारोबारी की हुई हत्या से नाराज लोगों ने जमकर बवाल किया। पटोरी बाजार की सभी दुकानों को बंद करवाकर सड़क को जाम कर दिया, जिसे घंटों तक आवागमन प्रभावित रहा। मामले की जानकारी होने के बाद पहुंची पुलिस को भी लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ा। दरअसल शुक्रवार की देर रात 65 वर्षीय कारोबारी शशि शर्मा की भूमि विवाद में पीट पीट कर हत्या कर दी गई थी। घटना में मृतक के भाई को भी गंभीर चोटें आई थी, जिनका इलाज अभी नजदीकी के अस्पताल में चल रहा है। वहीं अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं होने के कारण लोग काफी आक्रोशित हैं। लेकिन
बेगूसराय में मानवता को शर्मसार करने वाली दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां महज पेड़ काटने के मामूली विवाद में पड़ोसी ने 13 साल की मासूम बच्ची पर तेल छिड़ककर जिंदा जलाने की कोशिश की, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने उसे सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां बच्चे की स्थिति नाजुक बनी हुई है। घटना बरौनी थाना क्षेत्र के शिवरौना गाँव की है। घायल बच्चे की पहचान राम लगन यादव की बेटी पूनम कुमारी के रूप में हुई है। पुलिस ने घटना की जानकारी मिलने के बाद कार्रवाई शुरू कर दी। कटिहार में मनसाही थाना क्षेत्र के राघोपुर एनएच 131 पर कोयले से लदी ट्रक ने बाइक में टक्कर मार दी। पूर्णिया जिले के जलालपुर निवासी मोहब्बत सबदर अपनी मां सुहागी के साथ अहमदाबाद प्रखंड अपने रिश्तेदार के गांव जा रहा था। इस दुर्घटना में महिला की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं घर बेटे को बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां उसकी हालत भी गंभीर बनी हुई है। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने ट्रक को रोक घंटों सड़क जाम कर दिया, जिसके बाद पुलिस की सूझबूझ से जाम को हटाया गया और आगे की जांच की कार्रवाई की गई। देखिए मामला है इसका तो बड़ा वो ज्यादातर बताएंगे, हम लोग तो मान लीजिए मैंने सूचना मिला गए तुरंत इसको लेकर के भागे इलाज के लिए। उस वक्त तो मतलब इसका श्वास चल रहा था, तो गाड़ी को लेकर के तुरंत भागे। उसके अलावा मतलब जो है किधर से कौन गाड़ी जा रही थी नहीं जा रही थी, ये लोगों द्वारा बताया जा रहा है कि ये मैंने मनिहारी मानसी मनसाही की तरफ से मनिहारी का जा रही थी ट्रक, और ये भी बाइक से जा रहा था किधर से, ये अभी पता चल नहीं रहा है, उसी में धक्का लगा।